बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ सईदा शहरबानो मुशरफ। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए खबर शामिल करते हैं बेल्जियम से। राना फलक शेर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेल्जियम के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया गया और उनके लिए बुलंदी दर्जात की दुआएँ की गई और हमारे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का योम पैदाइश केक काट कर मनाया गया। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बेल्जियम की जानिब से हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं वो जल्दी पाकिस्तान वापस जाएंगे और जिस माशी गर्दाब के अंदर पाकिस्तान फंस चुका है उसको निकालने के लिए तदाबीर करेंगे। इसके साथ साथ हम कायद आज़म और बानी पाकिस्तान की सालगिरह पर उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बहुत आला मकाम अदा करवाए और उनके दिए हुए असूल इत्तेहाद तंजीम और यकीन मौकम जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर नापैद है, अल्लाह ताला कौन को दायर करवाए कि अपने अंदर ये तीनों चीज़ें पैदा करें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। चौबारा से मोहम्मद अमीन मोमिन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाकोट 2 चौबारा कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया गया जिसमें मौजूद मेहमान एमएनए हाजी अब्दुल मजीद खान न्याजी और एमपीए कैसर खान मक्सी ने रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरदार नासिर खान मक्सी, सरदार बाबर खान मक्सी, सैयद मुजाहिद शाह, खालिद चंडी, सरदार मसर खान मक्सी, राना नासिर इलियास, इमरान मक्सी, फेरोज़ मक्सी, आसिफ दोगल और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। समुद्री से आपको बता रहे हैं, क्रिसमस के हवाले से आपको बता रहे हैं। समुद्री में रात 12 बजते ही मसीही बिरादरी ने क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ किया। समुद्री मसीही बिरादरी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात और चर्चिस में क्रिसमस के केक काटे गए और चर्चिस को बरकी कुमकुमों से सजाया गया और मसीही बिरादरी की जानिब से रैलियाँ भी निकाली गईं और खूब इंजॉय किया गया। कहलोड़ पक्का से खबर शामिल करते हैं। बिलाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियत रहनुमा शहीद कांजो ग्रुप उमर सरवर लोधी के वालिद अलहाज गुलाम सरवर लोधी की 70वीं बरसी दरबार अली सरवर पर मनाई गई। बरसी में सियासी और समाजी शख्सियात, उलमा, नातख्वां, सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियत उमर सरवर लोधी का कहना था कि मेरे वालिद की कमी पूरी तो नहीं हो सकती, उनकी याद को कभी नहीं भूल सकते, वालिदैन की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तुलुम्बा मौसम सरमा में मछली डिमांड बढ़ने से दुकानदारों का कारोबार भी अरूज पर पहुंच जाता है। तुलुम्बा के शहरी भी मछली के बहुत शौकीन हैं। शेख फरहान अली की ये रिपोर्ट देखते हैं। मौसम सरमा में मछली की डिमांड में इजाफा हो जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद मछली की खरीदारी करती दिखाई देती है। असी मछली जड़ा ना खरीदना है तो सर्दियों का खास तोहफा है मछली, ते हर बंदा शौक ना खाना, बच्चे शौक ना खाते ने, ते ये हर बंदे नु खानी चाहिए, तो बहुत सारे फायदे है। सर्दियों का मौसम मछली बड़ी अच्छी लगती है, दिल करता सल भाई ले लेते। मछली की डिमांड से दुकानदारों का कारोबार भी अरूज पर पहुंच जाता है, जिनका कहना है कि सीजन में इनका कारोबार अच्छा चलता है। हमारी दुकान पर रोहू, थैला, मोरी, ग्रास और सिल्वर, मल्ली वगैरह वगैरह बहुत सारा मछली की किस्म है जो कि यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, हमारा इलाका जो मछली के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। बाजारों में मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए स्टालों पर रश भी इस बात की तस्दीक करता है कि शहरी मछली खाने के बहुत शौकीन है। माहिरीन का कहना है कि मछली खजाइए से भरपूर है जो तमाम उम्र के लोगों के लिए मुफीद है। मछली बड़ों के साथ साथ छोटों की भी मरगूब गिजा है। कैमरामैन कासिम जंजुआ के साथ शेख फरहान अली, तुलम्बा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं लोधरा से। मोहम्मद अफजल खान लोही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच ने कहा है कि साल नौ की पहली 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम की कौमी मुहिम का आगाज 16 जनवरी से होगा जो 20 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 3,60,556 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे।
शोरकोट से आपको बता रहे हैं, फेस्को रूरल सब डिवीजन के इलाका एक गख से 200 केवी का ट्रांसफार्मर चोरी। शोरकोट चोर रात और धुंध का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर ले उड़े हैं। शोरकोट से आपको बता रहे हैं, चोर फेस्को की गाड़ी से मशाहबत रखने वाली गाड़ी में ट्रांसफार्मर ले गए और यानी शाहिदीन के मुताबिक रात 2 बजे से इतला के बावजूद ताहाल मौके पर कोई फेस्को अहलकार मौजूद नहीं है और ना ही। केहर और पक्का से खबर शामिल करते हैं। बिलाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन स्कूलों का मेयार तालीम बुलंद करने के लिए हमेशा से कोशा है। इसी सिलसिले में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के डिपार्टमेंट कायद पेफ से मुंसलिक स्कूलों के टीचर्स के लिए तरबियत असातिज़ा का एहतमाम करता है ताकि पेफ से मुंसलिक स्कूलों में मेयार तालीम को बेहतर बनाया जा सके। जैकबाबाद के इलाके ठल के करीब शदीद धुंध के बायस मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। ठल से कंदकोट जाने वाले मुसाफिर वैन शदीद धुंध के बायस हादसे का शिकार हो गई है। मुसाफिर वैन टकरा गई जिसके बायस ट्रक उलट गया और मुसाफिर वैन में सवार 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन से आपको बता रहे हैं, सरगोधा हाईवे पर शदीद धुंध के बायस सरगोधा से खारिया जाने वाले मुसाफिर वैन गोजरा के करीब डंपर को ओवरटेक करते हुए उससे टकरा गई। 16 अफराद जख्मी हो गए। 2 खातिन समेत 5 शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है। समुद्री में भी बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबके फिक्र की आवाम को परेशान कर रखा है। मोबाइल की कीमतों में इजाफा हुआ तो मोबाइल एसेसरीज की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई से कारोबारी तबका भी मुतासर होने लगा है। समुद्री मोबाइल एसेसरीज की कीमतों में 6 माह के दौरान कई गुना इजाफा हो चुका है। चार्जेस 300 से 450, USB 450 से 600, हैंड फ्री 300 से बढ़कर 400 रुपये की हो गई है जबकि बैक कवर 150 से 230 रुपये का हो गया है। खबर शामिल करते हैं जामपुर से। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के मुबैना नाहली के बायस शहर भर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहरी और स्कूल जाने वाले तलबा तलबात की जिंदगियां दांव पर लग गई। जामपुर में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी और स्कूल जाने वाले तलबा तलबात की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। शहर भर की गली मोहल्लों और चौकों पर आवारा कुत्तों के जत्थे खुलेआम शहरियों पर हमलावर होने लगते हैं और कुत्तों के काटने से सलीम नामी शहरी भी जख्मी हो गया। अब रुख करते हैं उस्ताद मोहम्मद की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद रफीक पिंदरानी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़ सूबाई और जिला ओहदेदारों के हमरा रॉयल न्यूज़ से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल से हमारा काफिला जब कोटा शहर से निकला, सबसे पहले हम लोगों को सीपी पे इस्तकबाल हुआ। सीपी पे भी हम लोगों ने कुछ साथियों को शामिल कर लिया पार्टी में। वहाँ से जब फिर हम लोग डेरा मुराद जमाली पहुँचे, डेरा मुराद जमाली में भी काफ़ी साथियों ने रिस्पांस दिया। उसके बाद जो फिर हम लोगों ने 4-5 जो बड़े शख्सियात थे, जो कबायली शख्सियात थे, जो सरदार फैमिली के साथ ताल्लुक थे और जो समाजी कारकुन थे, उनसे जो हम लोगों ने मुलाकातें किया, तो मुझे ये लग रहा है कि तकरीबन हम लोगों ने पूरा नसीराबाद को कवर कर लिया। हमारे यहाँ पे जितने भी MP हैं और MNA हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से पाकिस्तान पीपल पार्टी के पुराने साथी जो यहाँ पे पुराने अहदेदार और नए जो अभी उन्होंने हमसे वादा किया और पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत करेंगे, इनके आने से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी मुस्तहकम होगी और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन में यहाँ से हमारे जितने भी सूबाई असम्बली है और कौमी असम्बली इंशाल्लाह जीतेंगे। मियांवाली से हमारे नुमाइंदे मियां उस्मान ने हमें आगाह किया है कि गुज़िश्ता शब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली की जानिब से साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब अब्दुल मजीद जाहिद मरहूम की बेवा को 50,000 रुपये की माली इमदाद दी गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के सीनियर अहदेदार मौजूद थे जिन्होंने मरहूम के बेटे को हौसला दिया और कहा कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। और अहदेदार में खुर्शीद अनवर खान, राना अमजद इकबाल, मलिक गुलाम हुसैन अवान, नदीम न्याजी, हाकिम खान, गिल शेर खान और आपको बता रहे हैं अफजल बलोच मौजूद थे। खानेवाल से आपको बता रहे हैं, जामिया मस्जिद जहदिया कासमिया में महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्स पार्क माई साहिबा मुनक्किद हुआ। उर्स पार्क और महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत पीर औरंगजेब बादशाह ने की है। इसी पर देखते हैं खानेवाल से जाम इम्तियाज़ हुसैन की ये रिपोर्ट। महफिल मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। उर्सो महफिल मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर क़यादत पीर डॉक्टर फजील अयाज़ कासमी, पीर रिफत महमूद बादशाह,
पीर फैसल बादशाह, पीर उमर ज़ेब बादशाह कासमी की ज़ेरे क़यादत मुनक्किद हुआ। महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ुसूसी शिरकत साहिबजादा गुलाम मुस्तफ़ा आफ्ताब कासमी ने की। महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुल्क पाकिस्तान के नामवर नात खाना हज़रात ने आकर इस्लाम की शान में गुलाए की इज़्ज़त पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर डॉक्टर फजील अयाज़ कासमी ने ख़ुसूसी खिताब किया। महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुरीदैन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीर उमर ज़ेब बादशाह ने टी वी टुडे से बात करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकजी दरबार आलिया मौड़ा शरीफ में हज़रत क़िबला बड़ी माई साहिबा रहमतुल्लाह अलैह मेरी दादी जान अहलिया मोहतरमा इमामुल आरिफीन पीर आफ़ताब अहमद कासमी के सालाना जो ईसाल सवाब के ख़त्म की बज़म सजाई जाती है उस सिलसिले में आज महफिल का अहतमाम किया गया, जो बड़ी खुश उसलूबी के साथ आज सजाई गई मनाई गई। उसमें लोग दूर व नज़दीक से मुहिब्बीन ज़ायरीन मुतल्लिकीन और मुरीदीन तशरीफ़ लाए। कश्मीर से लेकर कराची तक उन्होंने बालाए ताक रखा और सफ़र कर किसे उनके जिस्म भी जो है वो उनमें भी एक तपिश और हरारत पैदा होगी। उर्स पाक माई साहबा में शरीक होने वाले मुरीदैन और अकीदतमंदों के लंगर का वसी इंतजाम किया गया। उर्स पाक में शामिल होने वाले मुरीदैन और अकीदतमंदों के जायज़ मकासद और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, रायल न्यूज़ खानेवाल। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से मोहम्मद दीन रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के काफिले नसीराबाद से गढ़ी खुदा बख्श के लिए रवाना हो गए। साबिक खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ काफिले नसीराबाद से रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी कोयटा जवीन का काफिला इमरानी हाउस डेरा मुराद जमाली से साबिक सूबाई वज़ीर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी की क़यादत में, जबकि पीपल्स पार्टी तंबो का काफिला पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी की क़यादत में नसीराबाद से गढ़ी खुदा बख्श की जानिब रवाना हुआ। पाक पतन में हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर को मलिक फैसल हुसैन SHO थाना कलियाना पाक पतन ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि सैयद असीफ हैदर शाह DPO पाक पतन की खसूसी हिदायत पर हाजी मोहम्मद असलम जट DSP सदर की ज़ेर निगरानी में मैंने अपनी टीम के हमरा अपने इलाके में मुखबर की इतला पर पहली कार्रवाई करते हुए मुलजिम लियाकत को कोट बहावल से शराब बनाते हुए चालू भट्टी समेत मौके से ही गिरफ्तार करके 45 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। शोरकोट से आपको बता रहे हैं मोटरवे की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तर्जमान मोटरवे पुलिस शोरकोट इंटरचेंज पर एक मशकूक गाड़ी की तलाशी लेने पर शराब की भारी मकदार बरामद। मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर गाड़ी रोकते ही निकलकर फरार हो गया। गाड़ी से 660 लीटर शराब बरामद कर ली गई है। ड्राइवर की तलाश जारी है। टांग ज़िला में वापडा की जानिब से खुद साख्ता और जालिमाना सलूक जारी है, जिससे आवाम की कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। आदम खान कुंडी हमारे साथ मौजूद है। जी आदम खान, लोड शेडिंग के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला टांग में वापडा की जानिब से 18 घंटे की रोज़ाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग जारी है, जो एक ज़ालिमाना लोड शेडिंग है। ये खुद साख्ता लोड शेडिंग है जो ग्रिड की जानिब से हो रही है। आडे काटे जाते हैं, यहाँ पर ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। कारोबारी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मस्जिदों में और घरों में पानी नापैद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए पूछते हैं आवाम से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो बताते चलें कि यहाँ टांग में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से कारोबार भी लोगों का ठप हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा। तो ये टांग में नरवा लोड शेडिंग हो रही है। आजकल तो मेरे ख्याल में वो गर्मी का मौसम भी नहीं है, ना कारोबार जो है ना बिजली के ऊपर वाबस्ता है। बिजली नहीं होती, कारोबार ठप हो के रहता, बिजली नहीं होती। जैसा कि आपने सुना कि लोग जो हैं वो वापडा की ज़ालिमाना लोड शेडिंग से बहुत तंग हैं। उनका कहना है कि आला हुकाम एक्शन वापडा वो नोटिस ले, क्योंकि ये खुद साख्ता जो लोड शेडिंग हो रही है ये वापडा की जानिब से हो रही है। जी जी बिल्कुल। खरी मीरवाह से आपको बता रहे हैं, कायदे मिलत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए MP साजिद अली खान भाबन और काशिफ अली खान भाबन की सरबराही में खरी मीरवाह फैजगंज और
नारों से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला घड़ी खुदा बख्श भुट्टो रवाना। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद हुसैन लगारी की इस रिपोर्ट में। कायदे मिल्लत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए एम पी ए साजिद अली खान बामबन और काशिफ अली खान बामबन की सरबराही में ठहरी मिरवा फैजगंज और नारों से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला घड़ी खुदा बख्श भुट्टो रवाना। काफिले की क्यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एम पी ए साजिद अली खान बामबन ने किया। सुबह होते ही गाड़ियाँ ठहरी मिरवा सुई गैस पक्का चांग फैजगंज और दीगर शहरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम गाड़ियां सुई गैस मेहरान हाईवे पर जमा होकर साजिद अली खान बामबन की सरबराही में रैली के सूरत में घड़ी खुदा बख्श भुट्टो रवाना हो गए हैं। रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों में फकीर इम्तियाज लाशारी, उस्ताद गुलाम शबीर लगारी, अली असगर दश्ती, इजहार जोगी, यासीन जोगी, नियामतुल्लाह लगारी, एडवोकेट सदाम रजा लगारी, बामन सादिक दश्ती और लेडीज विंग के अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और काफी जियालों ने और वर्करों ने शिरकत की है। कैमरामैन टीम के साथ जमार हुसैन लगारी, रायल न्यूज़, ठहरी मिरवा। अब रुख करते हैं दाद लगारी का। हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक दाद लगारी के नवाही गांव केंजहर पताफी में अल्ताफ अहमद पताफी के कच्चे शराब की भट्टी पर एसएचओ दाद लगारी शफीउल्लाह अंसारी ने खुफिया इतला पर छापा मारा और पुलिस ने 300 लीटर कच्चा शराब बरामद कर ली है, जबकि कच्चा शराब के भट्टी मालिक अल्ताफ पताफी फरार हो गए हैं। कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मसूद और डायरेक्टर जनरल फूड सेफ्टी अथॉरिटी शाहरुख अली खान के अहकाम के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर अनीला महबूब और सायरा निसार की निगरानी में फूड सेफ्टी टीम की इंडस्ट्रियल स्टेट में बड़ी कार्रवाई। पेशावर से आपको बता रहे हैं, कार्रवाई के दौरान मसाला यूनिट सील और पेशावर से मसाला यूनिट में गैर मियारी मुजर सेहत और एक्सपायर्ड मसाला जात में रंग और चाइना सॉल्ट मिक्स किया जा रहा था। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौनसा शरीफ ने तौनसा शरीफ के मारूफ डॉक्टर शेर अली कलाची डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तौनसा शरीफ की बहाली पर मुबारकबाद पेश करते हुए रॉयल न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट तहसील रिपोर्टर मोहम्मद इकबाल चोया इकबाल को बताया, डॉक्टर साहब की बहाली इसके फ़र्ज शनासी और बेहतरीन सर्विस का नतीजा है। डॉक्टर साहब की खिदमत तौनसा की गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। पेशावर से आपको बता रहे हैं, बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 1 किलो से ज़्यादा सोना बरामद, कस्टम हुकाम। दुबई से पेशावर सफ़र करने वाले मियां बीवी से सोना बरामद कर लिया गया, कस्टम हुकाम। मियां बीवी पूछगछ के दौरान कानूनी दस्तावेज पेश ना कर सके, महकमा कस्टम्स बरामद शुदा सोने की मालियत 1.5 करोड़ की है। पेशावर से ही आपको बता रहे हैं, थाना एक्साइज पेशावर का कार लिफ्टर ग्रोह के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर थाना एक्साइज का शेखपुरा और खानेवाल से चोरी शुदा नई मॉडल की 2 होंडा सिविक गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। एक्साइज हुकाम डायरेक्टर एक्साइज डॉक्टर ईद बादशाह को ग्रोह के बारे में खुफिया इतला मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, रॉयल न्यूज़ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दाजिल की तलबात की आवाज़ बन गया। रॉयल न्यूज़ पर खबर ऑन एयर होने के बाद गर्ल्स स्कूल के इमरजेंसी गेट का बंद किया गया रास्ता खोलते हुए गली से लोहे का गेट हटा दिया गया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहाँज़ैब कुरैशी से। जी जहाँज़ैब कुरैशी, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दाजिल का इमरजेंसी गेट हुकूमत की तरफ से 7 गली में बनाया गया था, जिसे गली में रहने वाले 2 लोगों ने लोहे का गेट लगाकर बंद कर दिया था। सरकारी गली में सरकारी स्कूल के इमरजेंसी गेट का रास्ता बंद करने बारे एसडीपीओ दाजल को दरखास्त भी दी गई थी, जबकि कल शाम को रॉयल न्यूज ने भी इस मसला को हाईलाइट करते हुए खबर ऑन एयर की थी, जिसका ये असर हुआ कि पुलिस कार्रवाई से पहले ही गेट लगाने वालों ने रातों रात लोहे का गेट उतार कर गली का रास्ता खोलते हुए इमरजेंसी गेट का रास्ता बहाल कर दिया। एले दाजल ने जहां रॉयल न्यूज की इस काविश को सराहा है, वहां गर्ल्स स्कूल इंतजामिया और तालबात ने भी रॉयल न्यूज का शुक्रिया अदा किया है। जी, टैक्सिला से आपको बता रहे हैं, दुख्तरे मशरिक का लकब पाने वाली मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीरे आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी के मौके पर दीगर शहरों की तरह टैक्सिला में भी पीपल्स पार्टी की ज़िलाई तंजीम की जानिब से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में पार्टी कारकुनों के अलावा खातीन ने भी शिरकत की। मटियारी के शहरियों के लिए साल 2022 कैसा गुजरा, नए साल में क्या उम्मीदें रखते हैं, साल 2022 महंगाई के शिकवे और सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरीन की मुश्किलें अभी तक कम ना हो सकी हैं, और नया साल 2023 में कुछ नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। देखते हैं मटियारी से आदिल अली की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन 2022 साल अपने अहतमाम पर पहुंच चुका है और नए साल 2023 का आगाज होने वाला है। अजय मटियर के शेर से पूछते हैं उनका 2022 साल कैसे गुजरा और 2023 में क्या उम्मीदें रखते हैं। 22 तो इंतहाई बहुत ही कठिन गुजरा है, क्योंकि साल 2022 में महंगाई का तूफान और सैलाब का पानी अभी भी जो है मटियारी में कई इलाकों में जो है तहाल बरसात का पानी मौजूद है। जो है 23 में भी उम्मीद तो इंशाल्लाह कुछ खास रखते हैं, क्योंकि ऐ परवरदिगार ये साल 2023 है वो हमारे लिए जो है बहुत सारा अच्छा गुजरे तो बेहतर होगा। 2022 जो है वो गुजरा बहुत दुख वाला गुजरा है, और सैलाब ऐसे हो गया, पानी ले गया था, घर खराब हो गया। 2023 में इंशाल्लाह हमारा उम्मीद अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। अगर 2023 में हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो बहुत अच्छा गुजरेगा। 2022 में कुछ तंगी भी हुई थी, कुछ बेरोज़गारी भी हुई थी बरसात की वजह से, और बरसात के पानी की वजह से हम बहुत परेशान भी हुए। 23 में अल्लाह पाक रहम करेगा अपना। अब आए बरसात हुई, उसके बाद जो महंगाई हुई है ये सब्ज़ी खरीदने के काबिल नहीं। अब इंशाल्लाह 2023 शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं। बड़ा दुखों वाला गुजरा है, बहुत दुखों में हमने गुजारा है और महंगाई में गुजारा है, हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। 23 में भी कोई उम्मीद नहीं रखते, मगर हुक्मरान वही हैं। नाज़रीन मटियारी के शहरों ने 2022 साल को बहुत कठिन मुश्किल साल का करार दे दिया, और मटियारी के शहरों ने यही बताया कि इंशाल्लाह हमारे लिए 2023 साल बहुत अच्छा था गुजरेगा। रामेन मुजीद अली शेख के साथ आदिल अली, रॉयल न्यूज मटियारी। जूही से रिपोर्ट कर रहे हनीफ लगारी, रॉयल न्यूज़ जूही। जूही के आईबीई पास उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहरा। जूही आईबीई पास उम्मीदवारों अली जमाली, कामरान फैज़, मोहम्मद खोसो के दीगर की रहनुमा एहतजाजी मुजाहरा करके, नज़रअंदाज करके जालसाजी फ्रॉड के जरिए ऑफर ऑर्डर भर्तियां करने का नोटिस का मुतालबा। जूही से आपको बता रहे हैं, अहल मेरिट पर भर्तियाँ करने के बजाय शहर दीगर हसूल के अफराद को हायर एरिया का बोगस डोमिसाइल के मुताबिक देखकर जालसाजी के जरिए भर्तियां की जा रही हैं। नवाब शाह मोहम्मद मुराद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, रॉयल न्यूज़। शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह पुलिस मुकाबला। एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद जनाब अमीर सऊद मक्सी साहब की सरबराही अहकामात की रोशनी में शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की जानिब से अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए जराइम पेशा मुलज़िमान के ख़िलाफ़ ज़मीन तंग कर दी गई है और एक डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मियांवाली से आपको बता रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान की खसूसी हिदायत पर डीपीओ मियांवाली मोहम्मद नवीद ने रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस जवानों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। डीपीओ मियांवाली ने आज ऑफिस में पुलिस बेल्ट के मुताबिक 15 जवानों से मुलाकात की और उनको दरपेश मौशती और महकमाना मसाइल दरियाफ्त किए। डीपीओ मियांवाली ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए ज़रूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल भी किए जाएंगे। खारियां प्रेस क्लब के इलेक्शन बराए साल 2023 ता 2024 के लिए कागजात नामजद की जमा कराने की मुकर्रा तारीख और वक्त तक जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजद की जमा कराए उनमें हाजी अब्दुल रऊफ उम्मीदवार बराए सदर, अरशद गुजर उम्मीदवार बराए सीनियर नायब सदर, आफताब अहमद नज़र उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी, जब्बार अली सागर उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी, कारी शबीर शाहिद बराए इतलात शामिल हैं। और इन उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबल किसी भी उम्मीदवार ने मुकर्रा वक्त तक कागजात नामजद की जमा ना कराए, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हाजी शबीर हुसैन अवान ने मैंबरान इलेक्शन बोर्ड आमिर उस्मान आदिल और डॉक्टर जिकाउल्ला सदीक की मुशावरत से हाजी अब्दुल रऊफ बिला मुकाबला सदर, आफताब अहमद नज़ीर बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी, अरशद गुजर बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर और कारी शबीर शाहिद बिला मुकाबला सेक्रेटरी इतलात की कामयाबी का ऐलान कर दिया है। लैया से खबर शामिल करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर अब्दुल शकूर की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोफेसर हफीजुल्ला थिंद चेयरमैन पब्लिक फैसिलिटी कमेटी महकमा सेहत लिटरेसी एजुकेशन का दौरा, एजुकेशन कॉम्प्लेक्स
डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अनवर ने स्टाफ के हमरा वेलकम किया और इदारा के बारे में ब्रीफ दी और हुकूमत पंजाब की जानिब से हाल ही में बनाए गए पब्लिक फैसिलिटी कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर हफीजुल्ला थिंत ने महकमा लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन लैया के जिलाई दफ्तर और महकमा तालीम लैया के कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मौके पर महकमा लिटरेसी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अनवर स्टाफ और डेप्टी एजुकेशन ऑफिसर लैया गिलशे ने इस्तकबाल किया। जहानिया से आपको बता रहे हैं, आटा हासिल करने पर झगड़ा हुआ है। जहानिया में यूटिलिटी स्टोर से आटे के हसूल के लिए ग्राहकों ने हमला कर दिया। झगड़े के नतीजे में यूटिलिटी स्टोर के दो मुलाजमीन समेत तीन अफराद जख्मी हो गए। जहानिया में शहरियों को आटे की शदीद किल्लत का सामना है। अड्डा पुल 14 पर बाकी यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों को आटे की फराहमी का सिलसिला जारी था कि यूटिलिटी स्टोर के अमले पर ग्राहकों ने हमला कर दिया और यूटिलिटी स्टोर मैदान जंग बन गया। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद फारूक भट्ट, तहसील रिपोर्टर वजीराबाद से। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की अजमत को सलाम पेश करते हैं। सुबह क़यामत तक पाकिस्तान कायम रहेगा और कायद डे मनाता जाएगा। आपको बता रहे हैं, ख्याल का इजहार MPA चौधरी आदिल बख्श चट्ठा ने राना मोहम्मद रिजवान साबिक वाइस चेयरमैन के डेरे पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब में किया। उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द अवाम के दरमियान मौजूद होंगे और पार्टी क्यादत करते हुए मुल्क को मिल्लत की वो तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। खानेवाल वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अद्वियात गरीब की पहुंच से दूर, शहरी खुद खरीदने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आए गरीब मरीजों से अद्वियात बाहर से मंगवाई जाने लगी है। वर्षा का बयान, खानेवाल डॉक्टर्स की जानिब से पर्चियाँ लिख कर दी जा रही है। वर्षा, खानेवाल बाहर और बारहाम हर मरतबा MS को आगाह किया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। शरफपुर शरीफ में सहाफ़ियों के साथ डकैती की वारदात हुई है जिसमें दो मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर सहाफ़ियों की गाड़ी रोककर उनसे 3 अदद कीमती मोबाइल और 90,000 रुपये छीन लिए हैं। प्रेस क्लब शेख शरफपुर शरीफ रजिस्टर्ड के सदर और नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ राव मुजम्मिल वाइस चेयरमैन और नुमाइंदा 92 न्यूज़ कुरबान अली शरफपुरी और सेक्रेटरी इतलात और नुमाइंदा लाहौर रंग न्यूज़ मलिक मोहम्मद जमान मीडिया कवरेज के बाद वापस शरफपुर जा रहे थे कि नाजर लबाना के करीब मोटरसाइकिल पर सवार दो मुसल्ला डाकुओं ने सहाफ़ियों की गाड़ी का पीछा करते हुए पीछे से उनको रोका और इसके जोर पर असलहे के जोर पर लूटमार की। सहाफ़ती तंजीमों ने वारदात पर तश्वीश का इजहार किया है और DPO शेखपुरा से मुतालबा किया है कि डाकुओं को फौरी तौर पर ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए। सवाल से आपको बता रहे हैं, प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। रफ़ीउल्ला खान सवाल प्रेस क्लब जबकि ईसा खान खेल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। सवाल प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात बराए साल 2023 मुकम्मल हो गए। सनतजार की एडवाइजरी कमेटी का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी मेहर मोहम्मद आसिफ भंगियाना सियाल सनतजार झंग में मुनक़िद हुआ। हमारे नुमाइंदे रियाज नाउल की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में सेक्रेटरी कमेटी मैनेजर सनतजार मिसेस रेहाना यासमीन समेत एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान डॉक्टर मेहर मोहम्मद रियाज नाउल, मिसेस आयशा हमायो, ज़िया रहमान, मलिक मोहम्मद इब्राहिम समेत दीगर मेंबरान ने खसूसी ने आपको बता रहे शिरकत की है और मीटिंग में सेक्रेटरी ने साबिका मीटिंग की कार्रवाई पढ़कर सुनाई। मियांवाली से आपको बता रहे हैं, प्रेस क्लब के ओहदेदारों का इंतखाब मुकम्मल। अतीकर रहमान सदर, हाकिम खान जनरल सेक्रेटरी और मियां उस्मान बिला मुकाबला फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। आज प्रेस क्लब मियांवाली का इंतखाब मुकम्मल हो गया है। कलम कबीला ग्रुप के पैनल के तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं।
शोरकोट से आपको बता रहे हैं, शहर और गिरदनवाह में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M4 को बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम खानेवाल तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे को बाहू इंटरचेंज से टोबा गोजरा फैसलाबाद तक भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस मोटरवे M4 को ट्रैफिक के लिए धुंध के बायस बंद किया गया है। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद फारूक भट्ट, तहसील रिपोर्टर वजीराबाद से। तालीमी इदारों में करप्शन के खिलाफ जिहाद करना मेरी जिंदगी का मकसद है और मेरी कोशिश होगी कि तालीमी इदारों में करप्शन के रेशो जीरो हो जाए और मुझे कितनी मेहनत करना पड़े, इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ एजुकेशन खालिद महमूद चट्ठा ने टीचर एसोसिएशन के अहदेदारान और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करते हुए किया। अब रुक करते हैं उस्ता मोहम्मद की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद रफीक पिंदरानी की रिपोर्ट के मुताबिक गोट सरदार रुस्तम खान जमाली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़, सरदार सर बुलंदी जोगिंजई और पार्टी की दीगर सूबाई कायदीन के हमरा सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली से मुलाकात की और उन्हें पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुँचाया और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ चैनल मीरपुर खास सरफराज खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह मीरपुर खास में मसीही बरादरी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया और इबादत के लिए सेंट टेरेसा चर्च में मसीही अवाम ने क्रिसमस की इबादत अदा की है। और आपको बता रहे हैं फादर किस्टोन ने खुतबे में मसीही बरादरी को भाईचारा, अमन व अमान और सलामती का पैगाम दिया और मुल्क को सलामती और मुल्क के पाकिस्तान की सलामती, पाक फ़ौज की सलामती, पाक रेंजर्स की सलामती, पाक पुलिस की सलामती के लिए दुआएँ भी मांगी गई। मीडिया प्रेस कोर कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर। पेशावर कैंट डिवीजन के हयातबाद सर्कल पुलिस की अहम कार्रवाई। पेशावर दहशतगर्दी और मुख्तलिफ जराइम की गर्ज से भारी तादाद में असलाह एमुनेशन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाती गई है। अहम कार्रवाई के दौरान असलाह एमुनेशन स्मगलिंग में मुलविस दो मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद जहीन और मोहम्मद अहमद के नामों से हुई है। मुलजिमान पेशावर और ज़िला नौशहरा के रिहायशी है। गिरफ्तार मुलजिमान मोटर कार के जरिए असलाह ज़िला खैबर की जानिब से बरास्ता पेशावर और बाद अज़ा मुल्क के दूसरे शहरों को स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। टहरकी से आपको बता रहे हैं छोटे छोटे नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सरेआम शराब फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। पुलिस के साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी खामोश। गोबंद राम सरेआम नाबालिग मुस्लिम बच्चों को शराब फरोख्त कर रहा है, जो फुटेज में आपको बता रहे हैं वाजे देखा जा सकता है। बच्चे स्कूल जाने की बजाय सुबह सुबह गोबंद राम के गोते का रुख करते हैं और आवाम का SSP खोट की तनवीर अहमद तनियो और SHO ढेर की अनवर शर से मुतालबा किया है कि गोबंद राम को खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठट्ठा से शान अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वेटरनरी एसोसिएशन ला डिवीजन की जानिब से DG लाइफ स्टॉक के हक में रैली। कुछ शर्तपसंद अनासिर DG लाइफ स्टॉक के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमाओं का बयान। पाकिस्तान वेटरनरी एसोसिएशन ला डिवीजन की जानिब से एक एहतजाजी रैली मकली पब्लिक पार्क से नेशनल प्रेस क्लब ठट्ठा तक निकाली गई। जैकबाबाद से रिपोर्टर जाहिद खरल की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद के इलाके आबाद के करीब डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग। मुबैना मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाबाद के हदूद चंड शाह के मुकाम पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलाह बरामद कर लिया गया। कहूटा से आपको बता रहे हैं नायतुल्ला सत्ती और मुजीबुल्ला सत्ती की जानिब से एलियोट ता नड़ाला 1 करोड़
17 लाख की लागत से रोड के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी MLA सदाकत अली अब्बासी, चेयरमैन तारिक महमूद मुर्तजा और सदर कहूटा राजा वहीद अहमद, जनरल सेक्रेटरी सरदार M रजा थे और कहूटा मोहम्मद इश्तियाक शेख। तफसीलात के मुताबिक अनायतुल्ला सत्ती, मुजीबुल्ला सत्ती की जानिब से एलियोट ता नडाला रोड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। दाजिल से आपको बता रहे हैं महार मोहम्मद जुनेद, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर की खसूसी दिलचस्पी से और महार मोहम्मद जुनेद के भाई महार मोहम्मद इस्माइल जावेद की काविशों से दाजिल शहर में गुलाम आवाज गुलमानी की गली में टफ टाइल और सीवरेज की निकासी का काम तेज़ी से जारी है। गुलाम अब्बास गोलमानी वाली गली में सीवरेज लाइन के गंदे पानी के निकासी के लिए नाला तामीर किया जाएगा और अवैसा पार्क के साथ मोहल्ला काजियान, मोहल्ला बागर की सीवरेज लाइन के गंदा पानी की निकासी के लिए लाइन ख़राब होने की वजह से लोगों के मकानात को नुकसान हो रहा था। हरिपुर से आपको बता रहे हैं सेंटिनल हायर सेकेंडरी स्कूल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से तकरीब का इनेकाद। फयाज़ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 25 दिसंबर के दिन के हवाले से वाइस प्रिंसिपल सेंटिनल हायर सेकेंडरी स्कूल के फवाद हुसैन शाह ने कायदे आज़म की योम पैदाइश के हवाले से बच्चों के अंदर कायद का जज्बे के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कायदे आज़म ना होते आज हम इस आज़ाद वतन में सांस ना ले रहे होते और उनकी कोशिशों से एक आज़ाद और मुख्तियार वतन मिला है। और उन्होंने कहा कि आज हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ अकलियतों को भी मुकम्मल आज़ादी हासिल है, हमें उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं जोड़ावाला से, हमारे नुमाइंदे राना आज़म ब्यूरो चीफ से, राना अतीक ब्यूरो चीफ सच टीवी का पंजाब मीडिया एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर जोड़ावाला में तशरीफ लाए। पंजाब मीडिया के डिवीजन ब्यूरो चीफ राना मुजम्मिल और ब्यूरो चीफ जोड़ावाला मोहम्मद ताहिर साकी ने भरपूर इस्तकबाल किया, खाने और चाय से नवाजिश की और हर कदम पर साथ चलने का अहद किया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, हमारे नुमाइंदे मलिक इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ कारोबारी शख्सियत मिर्जा मोहम्मद अजहर के साहबजादे डॉक्टर अंस ताहिर का दावत वलीमा साल 2022 की सबसे बड़ी समाजी तकरीब बन गई। हज़ारों सियासी और समाजी कारोबारी सरकारी शख्सियात के शिरकत गुज़िश्ता शब साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी नशात पाकिस्तानी मिर्ज़ा अजहर के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब में साबिक MPA हाजी शेख मोहम्मद चौहान, चेयरमैन मंगटमढ़ी यूनिवर्सिटी साहिवाल चौधरी वहीदुल हक और वफाकी मुशीर मलिक नुमान लंगड़ियाल, पोल्ट्री एसोसिएशन के मियाँ अब्दुल नईम, नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान नदीम कुरैशी, साबिक डिप्टी मेयर कॉरपोरेशन साजिद नईम हैप्पी और साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल चौधरी जाहिद इकबाल शरीक हुए। खबर है बहावलपुर से, बहावलपुर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस बहावलपुर में आल पाकिस्तान HEC इंटर यूनिवर्सिटी के तहत वॉलीबॉल जोन जे के मुकाबले मुनक्किद हुए जिसके मेहमान खसूसी सेनेटर राना महमूदुल हसन थे जिन्होंने वॉलीबॉल के मैच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेनेटर राना महमूदुल हसन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि एक सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है और हुकूमत इस तरह के तमाम सेहतमंदाना खेलों के मुकाबलों की सरपरस्ती जारी रखेगी। खबर शामिल करते हैं हड़प्पा से, सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद रमज़ान नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ के भांजे और राना वसीम के कज़न राना मोहम्मद शफीक के भाई राना मोहम्मद लतीफ़ नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ शादी के बंधन में बंध गए। राना मोहम्मद लतीफ़ की दावत वलीमा हड़प्पा के नवाही गाँव चक नंबर 186 नोएल में मुनक्किद हुई जिसमें आपको बता रहे हैं लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का ने 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा खसूसी तौर पर शिरकत की और राना मोहम्मद लतीफ के लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाकपतन में हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद नजीर को सदाम हुसैन एक्सियन ईस्टर्न बार का
पाकपतन ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं खुद नहरों को चेक करता हूँ, नहरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं और इसके अलावा तावान और आबियाना भी वसूल करके ख़जाना सरकार में जमा करवाया है, जिसकी वजह से पानी की चोरी में काफ़ी हद तक कमी वाकिया हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, मेरे पास नहरी केस भी ज़ेर समात हैं, मैंने हमेशा केस का फैसला बगैर रिश्वत और सिफारिश के मेरिट पर किया है। मुल्तान से अब्दुल्ला तारिक सहू चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान हुमा नसीब की हदायत पर एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से जामिया सईदिया उस्मानिया तालीम उल करान में तलबा के लिए ट्रैफिक सेफ्टी कवानीन की आगाही के बारे में लेक्चर का इनेकाद किया गया। एजुकेशन यूनिट की जानिब से तलबा को फोग स्मोक के नुकसानात के साथ साथ इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही फ्राहम की गई। तलबा को ब्रीफ किया गया कि फोग स्मोक के दौरान गहरे और चमकीले कपड़े पहने, जिससे गाड़ी पर आप सफ़र करते हैं इस पर घर वालों को फोग लाइट्स लगवाने का कहें। पुलिस थाना रावी उकाड़ा ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कमर कस ली। कामयाब कार्रवाई करते हुए दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम परवेज के कब्जे से 520 ग्राम चरस वलायत से 26 लीटर शराब पमा चालू भट्टी बरामद। मुलजिमान के खिलाफ अलहदा अलहदा मुकदमात भी दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। मुल्तान से अब्दुल्ला तारिक सहू चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हुमा नसीब खान की ट्रैफिक वार्डन्स को हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वाले शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वन व्हीलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुमा नसीब वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया। कैंट पुलिस हयातबाद ने असलाह समगल करने की कोशिश नाकाम बनाकर दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन पेशावर में एसपी कैंट मोहम्मद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिमान मोटर कार के जरिए असलाह ज़िला खैबर से पेशावर के रास्ते पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से 11 कलेशनकोफ, 22 अदद पिस्टल और 3000 मुख्तलिफ बोर के कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही, आप देखते रहिए रॉयल न्यूज़।